सभी दीदी भैया को नमस्ते। रीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी से रेसिपी बनाकर आप सबको दिखाती हूँ। यहाँ पर अरबी का पत्ता लगा है, इसको काट लेती हूँ मैं हसिया से, अच्छी तरीके से काट लेती हूँ। सभी पाते को काट कर दिखाती हूँ। मैं अरबी का पत्ता काट चुकी हूँ, थाली में रख लेती हूँ, चलती हूँ। अच्छी मैं दोस्तों पहले से खोट लाई थी। ये सरसों है, सरसों का साग है। मैं चलती हूँ अच्छी तरीके से साग बनाऊँ पर सबको। इस अरबी के पत्ते को, डंठल को इस तरह निकालना है बहुत अच्छी तरीके से। मैं इसको निकाल लेती हूँ, थाली में रख लेती हूँ। दूसरे को भी ऐसे इसी तरीके से निकालना है। सभी निकाल कर मैं आप सबको दिखाती हूँ। मैं इसको साफ कर ली हूँ, चलती हूँ मैं नल से धुलकर लाती हूँ। इसको मैं अच्छी तरीके से साफ पानी से धुलकर ले आई हूँ। चलती हूँ मैं इसको काट लेती हूँ। काट पाई हूँ इसलिए मैं हसिया से काट रही हूँ। मैं साग को काट चुकी हूँ, साग को अच्छी तरीके से काट ली हूँ। कढ़ाई में लेप लगा लेती हूँ अच्छी तरीके से। लेप इस तरह लगाती हूँ। लेप लगा चुकी हूँ मैं, यहाँ पर रख देती हूँ। चूल्हा जला लेती हूँ। हमारा जल गया है, इसमें लकड़ी रख देती हूँ। इसी तरीके से मैं लकड़ी हमारा अच्छी तरीके चूल्हे पे कढ़ाई रख देती हूँ। यहाँ पर मैं धनिया ली हूँ, साबुत धनिया, लहसुन है और ये हरा मिर्चा। हमारे पास सूखा मिर्चा नहीं है, आप सबके पास होगा सूखा मिर्चा तो इसमें मिला लेना साग में। मैं चलती हूँ इसको भूज लेती हूँ। इसको भूज कर मैं आप सबको दिखाती हूँ। मैं इसको प्लेट में निकाल मसाले को, मिर्चा हमारा भी ये कच्चा है, इसमें और भूजूंगी हो जाए। भूजना है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। हमारे पास सरसों का तेल नहीं है, रिफाइन है, मैं इसमें रिफाइन डाल देती हूँ। कढ़ाई में लहसुन है, हरियर मिर्चा है और जीरा है और प्याज है, तड़के में डाल देती हूँ। अच्छी तरीके से तड़का हमारा जल जाए। इस तरह तड़का हमारा देख लीजिए जल रहा, इतना अच्छा से तड़का हमारा जल रहा है। तड़का हमारा ब्राउन कलर हो जाए इसमें मैं साग डाल देती हूँ। तड़का हमारा जल गया है, इसी तरीके से सभी साग को डाल देती हूँ। पलटे की सहायते से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देती हूँ। बहुत अच्छा बनता है साग अरबी का पत्ते का और सरसों का है, दो मिक्स साग है दोस्तों। मैं इसको दो मिनट के लिए दोस्तों इसको ढक देती हूँ थाली से। चलती हूँ मैं इसको सिलबट्टे से, सिलबट्टे से पीस कर लालों को पीस लाई हूँ सिलबट्टे से। दो मिनट हमारा हो गया है, मैं इसको उतार लेती हूँ थाली को, इस तरह चला देती हूँ। मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल देती हूँ। पलटे की सहायता से अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, कितना अच्छा से महक रहा है साग हमारा, बहुत अच्छा से बन रहा है। अच्छी तरीके से इसको
मिला देती हूँ। बहुत अच्छा से बनता है साग। मैं इसको ढक देती हूँ। इस साग टाइम लगता है दोस्तों चूल्हे पर, मैं थाली से ढक देती हूँ। साग हमारा पक जाए उतार लेती हूँ। साग हमारा बन गया है, बन के रेडी हो गया है, बहुत अच्छा से बना हुआ है। मैं इसको नीचे उतार लेती हूँ, कढ़ाई को यहाँ पर रख देती हूँ। मैं इसको ढक देती हूँ, आटा गूंथ लेती हूँ। मैं टिक्कर बनाऊंगी दोस्तों। आटा गूंथ चुकी हूँ, अब मैं चलती हूँ चूल्हे पे, तवा रख देती हूँ। मैं इस तरह इसका चकरी बना लेती हूँ टिक्कर बनाने के लिए। हाथों की सहायता से इसी तरीके बना लेती हूँ पहले, ताकि बनाने में आसानी रहे। इस तरह बनाती हूँ टिक्कर जब बनाती हूँ। इसमें मैं आटा लगा लेती हूँ हाथ की सहायता से। इसको इसी तरीके से बनाना है। मैं इस तरह बनाती हूँ जब बनाती हूँ टिक्कर को। ताव में डाल देती हूँ, देती हूँ बनाना है। मैं इसको पलट देती हूँ। इस तरीके से इसको पलटते रहना है। इसी तरीके से मैं सभी टिक्कर बनाकर आप सबको दिखाती हूँ। बना ली हूँ, यहाँ पर चौकी पे रख ली हूँ। इसको मैं उतार लेती हूँ। मैं दूसरी टिक्कर को डाल देती हूँ, मैं रख देती हूँ। अच्छी तरीके से इसको सेकूंगी। इसको यहाँ पर पलट देती हूँ। बहुत अच्छा से बनता है चूल्हे में टिक्कर। मैं इस साइड पलट, मैं अच्छी तरीके से चूल्हे में बहुत अच्छी तरीके से सेक रही हूँ। खाने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह हमारा टिक्कर बनता है। मैं इस थाली में रख लेती हूँ, दूसरे टिक्कर को सेक लेती हूँ। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत अच्छा से बनता है। मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से सेक रही हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छे से बन जाए। दोस्तों हमारे यहाँ पर सब लोग शोर शराबा करते हैं, इसलिए मैं इसको आवाज़ को बैक कर दी हूँ यहाँ पर। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं ताव को नीचे उतार दी हूँ, लकड़ी को बाहर निकाल देती हूँ। इसी में सभी टिक्कर को रखूँगी। देख लीजिए किस तरह मैं रख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। है मैं इसको आग में बहुत अच्छी तरीके से पकाती हूँ। मैं इसको मैं निकाल लेती हूँ थाली में। बहुत अच्छा से बना हुआ है, देख लीजिए कितना अच्छा से बना हुआ है। सभी टिक्कर को निकाल लेती हूँ, बहुत फूला फूला सा बना हुआ है। इसी तरीके से मैं निकाल लेती हूँ। सभी टिक्कर हो गया है, मैं निकाल ली हूँ टिक्कर को। मैं साग को निकाल कर दिखाती हूँ दोस्तों। हमारा टिक्कर और साग बन के रेडी हो गए। किस तरह बना हुआ है, बहुत अच्छा से बना हुआ है। देख लीजिए कितना अच्छा से मैं टिक्कर बनाई हूँ। ये साग बहुत अच्छा से महक रहा है। प्लीज़ आप सब आके खा लीजिए, बहुत अच्छा से बना हुआ है। हम सब जब बनाते हैं दोस्तों इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैं एक टिक्कर तोड़कर दिखा देती हूँ किस तरह बना हुआ हमारा टिक्कर। बहुत अच्छा से बना हुआ है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। चूल्हे पे खाना बनाओ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, थोड़ा से यहाँ पर आवाज़ आ रहा था इसलिए मैं बैक कर दी हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल पे जो नए होंगे
चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करना। आप सब हमारा इसी तरह साथ सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।